ये मेरी बेटी 14 दिन की थी। 14 दिन की थी, हुआ क्या था इसे? पता नहीं भाई इसको क्या हुआ। इसकी पुप्पो, दोनों पुप्पो आई हैं, एक किरण और एक तैबा, जो इसको नहला के गई है। सुबह मेरी बेटी की डेथ हो गई। बहनों के कहने पे क्या क्या करवाता रहा? बहनों के कराने पे मुझे पेशाब भी पिलाता रहा, थूक भी चटाता रहा, और वॉशरूम के लोटे में थूक डाल के वो भी मुझे इसने चटाई है। मुझसे इनकी बहनों ने अपनिया गंदिया गलीजा गंदिया टाकियां भी बाहर सटवाइया, तवाइया भी है भाई। लेकिन क्यों चलेगी की ये गलाजत पीने का कहते थे? आप गलाजत पी लेती थी भाई? मैं सच्ची मोहब्बत करती थी। ये दरिंदे ने मुझे तलाक दे के भी इसके चाचो तायो ने मोहल्ले मोहल्ले वालों को बता दिया, भी आपको अपने साथ रखा? हाँ जी, फिर भी मुझे यूज करता रहा। इस वक्त मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं, ये अपने बच्चे की कब्र पे बैठी हुई है। इसकी बच्चियों को हुआ कि आप फोत कैसे हो गई? उसके बाद जो अब इसका खामन है मौजूदा, जिससे इसने मोहब्बत की शादी की, वो इसे अपना पैखाना यानी गंदगी से खिलाता रहा। शर्त उसने ये रखी कि मैं तुम्हारे साथ तब रहूँगा जब तुम गंदगी खाओगी, गंदगी सर पे मलोगी। और अब मैं किस हद तक वो गलाजत में इस खातून को रखता रहा और इसके साथ बर्ताव क्या किया, और अब तनहा छोड़ गया और गाली गलौच भी करता रहा। बाकी जो वाकया कहानियाँ मैं इसी से जानता हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो बेटी है कितने साल की है? ये मेरी बेटी 14 दिन की थी। 14 दिन की थी, हुआ क्या था इसे? पता नहीं भाई इसको क्या हुआ। इसकी पुप्पो, दोनों पुप्पो आई हैं, एक किरण और एक तैबा, जो इसको नहला के गई हैं। सुबह मेरी बेटी की डेथ हो गई। पहले ठीक सी बेटी? पहला बिल्कुल ठीक सी। जो मैं हॉस्पिटल तो भी आई हूँ, जो मैं उन्हों भुख नाल भुखा कटियाँ, जो पैदा होने वाली सी उदों इन्हू कुछ ना होया, जो मैं इन्हू पैदा किया उदों कुछ ना होया, जिस टाइम मैं कार लैके आना सी उस दिन ही इन्हू कुछ होना सी। खामद आपसे क्यों ये गंदगी आपको खिलाता क्यों ना, आपके जिस्म पे गंदगी क्यों मलता रहा, गोबर भी मलता रहा मैंने सुना? क्योंकि ये खामद अपनी बहन और बहनों के कहने पे ये करता रहा मेरे साथ। मोहब्बत की शादी की थी? मोहब्बत की शादी मैंने की थी। कितनी देर पहले से शादी की थी? मेरी 5 साल मेरी शादी को हो गई। 5 साल पहले ठीक था? हाँ जी, पहले ठीक था। जब हम किराए पे रहते थे तब भी ठीक था। बहनों के कहने पे क्या क्या करवाता रहा? बहनों के कराने पे मुझे पेशाब भी पिलाता रहा, थूक भी चटाता रहा, और वॉशरूम के लोटे में थूक डाल के वो भी मुझे इसने चटाई है। कि मेरे मुझसे इनकी बहनों ने अपनिया गंदिया गलीजा गंदियाँ टाकियाँ भी बाहर सटवाइया, तवाइया भी है भाई। तुसी मेरे को की पुछते जे केड़िया मैं सजावा इन्होंने घर आके कटिया, कि मैं इन्होंने घर आके इन्होंने कूड़े कट छे जिन्होंने घरों दरिंदा वर्गी बो आती सी। लेकिन इस हद तक क्यों चलेगी कि ये गलाजत पीने का कहते थे? आप गलाजत पी लेती थी भाई? मैं सच्ची मोहब्बत करती थी। ऐसी भी क्या सच्ची मोहब्बत की? आप हराम चीज खा पी रही हैं, हराम चीज खा रही हैं, इसलिए मुसलमान है ना आप? हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ। तो मुसलमान को जेब नहीं देता मोहब्बत में, इतना भी क्या अंधा होना? लेकिन मोहब्बत में इसलिए अंधी हो गई थी कि वो मेरे ऊपर तरह तरह की गंदगी फैलाने लगे। कहते हैं कि एग्जाम लगाना शुरू कर दिया था जी, कहते हैं ये तुम ठीक नहीं हो, तुम 2 नंबर हो। कैसे ससुर ने भी कहा और चाचे और ताए ने भी, दरिंदे ने मुझे कहा कि तुम 2 नंबर हो। तो लेकिन मैं अपने ससुर के पैरों में अपनी इज्जत की चादर 7 वारी सुट के कही है कि बाप मेरे बच्चे ऐसी लई, तू एक बारी आले मोहल्ला वाले को पूछ ल कि जो मैं तू कितों आप खुद उत्तों फड़े ना, उस टाइम मैंने कही कि धीए तू गलत है। हाँ जी, मेरा पूरा मोहल्ला मेरे साथ है, उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया भी पहले भी। तो आप भी ये जो गलाजत खिलाई जाती थी, गलाजत आपके जिस्म पे मिली जाती थी, क्यों मिली जाती थी? एक के मैंने तुम्हें छोड़ देना है। हाँ जी, कहता था कि मैंने दूसरी शादी कर लेनी है। मेरा बाप कहता है इसको छोड़ दो, मेरा ताया कहता है छोड़ दो। आज जो डिवोर्स हुआ है सिर्फ चाचू अफजल की वजह से हुआ है। वो उस दरिंदे ने मेरा वसदा वसदा घर उजाड़ दिता है। के जिंदा मैनू मिला कहाँ पे था इसे शादी का? मिला कहाँ पे था? खुद ही पसंद किया था इसे? नहीं, मैंने खुद नहीं पसंद किया था। ये उसका जो ताए का बेटा महबूब है ना, उसने उसका उसने मेरा नंबर लिया था मेरे चाचू के बेटे से। फिर आप लोगों की बात आपस में चली? फिर उस वो दरिंदा खुद उल्टा हो के माह रमज़ान के महीने गंदी हरकत काट के मेरा फोन सुनता सी। इन्हें क्या पता नहीं किंदे नाल गल करता, इन्हें उनका मोबाइल हैक काट के मेरा नंबर निकाल लिया। कि मैं 6 माह दे थोकी थोकी ने अपना नंबर भी बंद किया। लेकिन जब भी ये मुझे मिला, इस तरह मेरे ना प्यार करन लगा जिस तरह एक बहन भाई का प्यार होता है। फिर मैंने कहता मैं तेरे ना शादी करवानी है। फिर मैंने 2.5 महीने लैके अपने घर बगैर फिर शादी की। 2.5 महीने क्या करता रहा? 2.5 महीने इसने अपनी माँ की
मुझसे खिदमत करवाई, बहन की खिदमत करवाई, सबको मैं खाना बना के रात सुबह को नाश्ता बना के देना, दोपहर को खाना देना, फिर शाम को फिर खाना बना के। जब इसने रातों को मुझे कहना कि उठ के मेरी माँ की खिदमत करो, मेरे दोनों बेटे भी खिदमत करते रहे, कि ये नहीं कि मैंने अकेली में ये दुख झेले। हाँ जी, वो मेरे साथ आए हुए थे, उन्होंने बहुत मुसीबतें झेली। ये तारे लेके आता था। समझ नहीं है आपकी, आपका जो पहला खावन था वो भी आपके साथ ही रहता है? नहीं, वो नहीं मेरे पास है। उसने मुझे ये इसको मिलने से पहले 2 साल पहले इसने तलाक उसने दे दी थी। अच्छा, ठीक है, यानी दो बच्चे आपके साथ है जो खिदमत करते थे साथ। जो खिदमत करते थे, इसने कहना कि मेरा बाप आया और किस किस की टांगे दबाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चों ने टांगे दबाई, छोटे छोटे बच्चों से। थाने में शिकायत क्यों नहीं करवाई? मैंने थाने में शिकायत करवाई थी, जब इन्होंने मुझ पर जुल्म किया। 2.5 माह इन्होंने बाहर से ताला लगा के, फिर आप साहब माँ भी निकल जाती और दी भी, बेटी भी साथ चली जाती थी और ख़ुद भी साथ चले जाते थे। जब इनकी माँ नहीं थी, घर होती, उस वक्त मुझे खाना, मेरे बच्चों को खाना भी दे देते थे। जब वो सामने आती थी तो मेरे ऊपर जुल्म ज़रूर करते थे, जिसकी वजह है कि इसकी बहन को दो। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ पूरा पूरा इंसाफ हो। ये दरिंदे ने मुझे तलाक दे के भी इसके चाचो तायों ने मोहल्ले मोहल्ले वालों को बताया। तलाक देने के बाद भी आपको अपने साथ रखा? हाँ जी, फिर भी मुझे यूज़ करता रहा। अब मेरे मुझे ज़रूर इंसाफ। आपकी अक्ल किधर गई, आपका दिमाग किधर गया भाई? मेरे इलम आपका थोड़ा सा भी जहन काम नहीं किया कि एक मुझे बंदे ने तलाक दे दिया, फिर मैं उसके साथ रह रही हूँ? एक बंदे ने मेरे साथ इतना गंदा सलूक कर रहा है, मैं उसकी गंदगी पी रही हूँ, एक गंदगी अपने जिस्म पर मल रही हूँ, कि एक बंदा मेरे साथ इस कदर मतलब बदतर सलूक कर रहा है और मैं उसकी हर बात मार रही हूँ, किधर गुमराह हो गई थी आप? भाई मुझे पता ही नहीं, मुझे तो पता चला है जब 31 मार्च का दिन था, बुध का। आपको बाद में पता लगा कि तलाक हुई है? पहले नहीं था तलाक हुई है, मुझे उस वक्त पता चला जब पुलिस मेरे दरवाजे, लेकिन मैं फिर भी कहा ये कोई दरिंदा, वैसे ही पुलिस की वर्दी। अब एक छोटी सी बात, अब मुझे ये बताओ कि अब आपने थाने की शिकायत की है? हाँ, थाने वाले क्या कह रहे हैं? थाने वालों ने मेरे साथ पूरा तावन किया है। सबसे पहले मारक हुई थी हाफिज अदनान को, उसने भी ऐसा थाने वाले तावन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब ये खातून है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खातून की क्या हालत है, किस कदर इसके साथ बदतर सलूक किया जाता रहा। तलाक देने के बावजूद इस खातून को साथ रखा गया, इसको नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। इसका कहना है कि मेरे बच्चे ऊपर भी कोई तवीज़ वगैरह करके उसे भी मारने की कोशिश की, कि बड़े शर्म का मुकाम है। और आज ये खातून 9 दिन से इस कब्रिस्तान में बैठी हुई है, किस लिए? कि मुझे शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन उसे इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं कि जो अदारे इसे इंसाफ दें और उसे गलीज़ इंसान का चेहरा बेनकाब किया जाए और उसे पकड़ा जाए। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।